ये गत्ते के डब्बे के अंदर रखी होती है जहां पे वोटर जाता है और बिना किसी को दिखाए कोई बटन दबाता है और वोट इस मशीन के अंदर यहां दर्ज हो जाती है। जो पहला वोटर आया उसने झाड़ू पे बटन दबाया तो इस वक्त आम आदमी पार्टी की एक वोट हो गई। दूसरा वोटर आया उसने हाथी के आगे बटन दबाया, हाथी के आगे वाला लाल बटन दबा, मशीन में आवाज आई, वोटर को लगा मेरा वोट जो है वो हाथी पे चला गया। तीसरा वोटर आया उसने बीजेपी के आगे वाला बटन दबाया, लाइट जली, आवाज आई, बीजेपी को वोट चला गया। मॉक टेस्ट है, जैसे सुबह सुबह दिखाया जाता है कि ये मशीन बिल्कुल ठीक है, वो आपको करके दिखाता हूं। अब मैंने आप सबके बारे को दिखाया कि मैंने इन सभी पार्टीज को, जो पांचों पार्टी हमारे पास है, इनको दो दो वोट डाले। जिस पार्टी के पास है वो उस सीक्रेट कोड को इस मशीन के अंदर दाखिल करके अपनी पार्टी को जिता सकता है। अगर आपने तय कर लिया कि सरकार तो बीजेपी की है तो कोड भी बीजेपी वालों को पता है, और अगर आपने 10 बजे तय कर लिया है कि अब आपको बीजेपी को जिताना है और अब जो जो वोट इस बूथ के अंदर डलेगी, बटन चाहे कोई भी दबे, वो वोट सिर्फ और सिर्फ कमल पे जाएगी, तो उसका कोड है 123414। अभी तक हमने दिखाया था कि हमने दो दो वोट सभी कैंडिडेट्स को दी थी, पहले से पांचवे को। ये जो वोटर आया था इसने बीजेपी को वोट डाली, तीसरे कैंडिडेट को वोट डाली और उसके बाद एक सीक्रेट कोड डाला, तो कुल मिला के इस वक्त आम आदमी पार्टी के दो वोट, बसपा के दो वोट, बीजेपी के तीन वोट, कांग्रेस के दो वोट और समाजवादी पार्टी के दो वोट है। हम अपने उदाहरण के लिए मान लेते हैं 10 बजे के बाद 10 वोटर और आए और 10 वोटरों ने अपनी वोट झाड़ू पे डाली, बीजेपी के 3, झाड़ू के 10। मैं इसको 10 बना देता हूं, तो ये जो है ये आप अपने इस पे दिखा दो, 10 2 3 3 2। अब ये वो मतगणना है जो असली में वोट डाले गए थे, टेंडर्ड वोट्स थे, जो असलियत में वोट इस मशीन के अंदर दाखिल कराने की कोशिश की गई थी। अब जब 23 तारीख को वोटिंग खत्म हो गई, पोलिंग बूथ हंसी खुशी, पोलिंग बूथ वाले घर चले गए, लोगों ने कहा कि जी हमने तो बीयू नंबर भी नोट कर लिया, हमने तो सीयू नंबर भी नोट कर लिया, हमने तो मशीन बंद करके सील भी लगा दी, उसकी गांठ भी 3-4 बार खोल के देख ली कि जी बड़ी मजबूत बांधी है, अब इसके अंदर कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। वोटिंग की काउंटिंग शुरू होगी तो आपके काउंटिंग एजेंट आएंगे, आपके कैंडिडेट आएंगे, वो दोबारा से अपनी सील को देखेंगे कि जी सील तो ठीक है, और उनके सामने काउंटिंग शुरू होगी। तो मैं अब आपको वो काउंटिंग दिखाता हूं जो आखिरी दिन, काउंटिंग डे वाले दिन जब बक्सा खुलेगा तब किसको कितनी वोट मिलेंगी। तो कैंडिडेट 1 जो है वो आम आदमी पार्टी है, 2 जो है वो बीएसपी है, 3 जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, 4 जो है वो कांग्रेस है, 5 जो है वो समाजवादी पार्टी है। इसको अब ध्यान से दिखाना अपने को। अब मैं रिजल्ट दबा रहा हूं, टोटल वोट 19, पहले कैंडिडेट को 2, दूसरे को 2, तीसरे को 11, मुबारक हो सिंह जी, चौथे को 2, पांचवे को 2, जीत गए टीवी वाले। वो सब लोगों ने जो वोट डाली थी वो इस गुलाबी वाले के अंदर दिख रही है कि आम आदमी पार्टी को 10 वोट, बीएसपी को 2 वोट, बीजेपी को 3 वोट, कांग्रेस को 2 वोट और समाजवादी पार्टी को 2 वोट। मुझे लगता है कि इसमें कोई पार्टी बुरा ना माने, सिर्फ आसानी करने के लिए हमने दो दो वोट सभी पार्टी को दिए, बाकी ओरिजिनल के अंदर कुछ भी हो सकता है। जो ये जो फर्जीवाड़ा है, ये जो रिगिंग है, ये जो गड़बड़ी है, उस गड़बड़ी को आप में से कोई आदमी कभी नहीं पकड़ पाया।